हमारी बहन तो बहुत जुगाड़ू निकली, उसने यूं 10 लाख का इंतजाम कर दिया। पर अब मेरे पास तुम्हारे घर वालों के लिए सरप्राइज है। कौन आया? सालू का फोन है। हेलो, पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ, पैसे का इंतजाम हो गया है। गुड, अब जल्दी से बताओ पैसे कहाँ पर देना और शालू दीदी कहाँ है? वो क्या है ना कि स्टोरी थोड़ी बोरिंग हो रही थी। हमने किडनैप किया, फिरौती मांगी, तुमने पैसों का इंतजाम किया और शालू छूट गया। मजा नहीं आया। तो अब स्टोरी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट? कैसा ट्विस्ट? परसों शालू की शादी है। और वो 10 लाख तुम हमें दहेज के रूप में दोगे। है ना शानदार ट्विस्ट? ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम? बस बहुत हो गया तुम्हारा। चुप। अभी तक तूने सिर्फ पैसों का इंतजाम किया है। न पैसे मेरे पास आए हैं और ना तेरी बहन तेरे तक गई है। तो अपनी आवाज ना थोड़ा नीचे रख के बात कर। शालू की शादी मेरे पसंद के लड़के से होगी। तुम्हारा भी बहुत मन कर रहा होगा ना अपने शादी के मौके पे कुछ कहने का। बोलो। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम हमारी फैमिली के साथ? हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो पैसे का इंतजाम कर दिया ना उन्होंने। अब पैसे लो और छोड़ो हमें। शक्ति वाला मजाक ना बंद करो। सिर्फ पैसे से खुशी मिलती तो फिर क्या बात? पैसा बहुत है हमारे पास। बात तो ये है कि हमें किसी को उसकी औकात याद दिलानी है। उसे ये याद दिलाना है कि राजवीर शुक्ला जब चाहे जिसे चाहे अपने काबू में कर सकता है, पर राजवीर को काबू करना इम्पॉसिबल है। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी बहन को बहुत शौक है ना दूसरों की शादी रुकवाने का। अब वो अपनी खुद की बहन की शादी रुकवाए तो मान। वैसे बहुत सही लड़का चुना है मैंने तुम्हारे लिए। बेचारा प्यार का मारा है। तुम्हारी बेरहम बहन की वजह से बेचारे का प्यार अधूरा रह गया। लेकिन तुमसे शादी करके उसकी किस्मत चमक जाएगी।